हैं कि कांग्रेस पार्टी सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहती नहीं करती भी है। आपने देखा कि मेरे भाई मुस्लिम है उसके बाद भी मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ जिस तरीके से आपने कहा है, शपथ भी ली है कि इस हाउस को आप जवाब देंगे, अदरवाइज हम आपकी गर्दन तक पकड़ सकते हैं। हम नहीं चाहते क्योंकि हम दूसरा वादी नहीं है, हम लोग गांधीवादी विचार वाले हैं। हम ऊपर जाने के लिए मतलब ऊपर जाने की जहाँ तक हिम्मत हुई कि वो वहाँ तक लड़ाई लड़ना चाहेंगे और मंदिर ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि 100 साल पुराना उसमें पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ से हमारे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अगर वो मंदिर हुआ तो कितने उसका नक्शा पास कर दिया, और एक निगम पार्षद की आपका जेई क्यों नहीं सुनता है, क्यों बिल्डिंग विभाग में इतनी ज्यादा उतरा हुआ है कि जेई किसी की सुनता ही नहीं है। जहाँ से उनको पैसे नहीं आते वहाँ पर बिल्डिंग पे ताला लगा दिया जाता है, अदरवाइज सारी चीजें पास होती रहती है, पैसा मिलने के बाद सब कुछ पास हो जाता है। ये बिल्डिंग का खेल आपके यहाँ पर चल रहा है। ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहती, आप लोगों को भी 4-4 साल हो गए हैं, सारे निगम को अच्छे तरीके से आप पहचान चुके होंगे। आज के मुद्दे पे मैं आती हूँ, आज आपने 2 मुद्दे हमें दिए, एक वक्स का, वक्स की वजह से मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक तो मुझे पता नहीं मेरा एग्जीक्यूटिव इस समय कौन आया है, सागर जी शायद रिटायर हो गए हैं, इस समय कौन देख रहे हैं पता नहीं, मगर फिर भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ वक्स विभाग का, क्योंकि वो ही एक डिपार्टमेंट है और एक हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारी नाक बचाए हुए हैं। नाक इसलिए बचाए हुए हैं, आप भी जानते हैं 3 साल से हमें 1 रुपए का फंड नहीं मिला। मुझे नहीं पता किस तरह की राजनीति दिल्ली में चल रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में है और बीजेपी सत्ता में है, आप लोगों की क्या लड़ाई है, क्या साठगांठ है, मुझे समझ में नहीं आता, मगर आप लोगों की वजह से हमारी जनता पिछड़ी है जिसकी सेवा हम लोग नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपनी सेवा करने के लिए हमें चुना था और 3 साल हो गए कि हम एक ईंट अपने वार्ड में नहीं लगा पा रहे, ये बहुत ही शर्म की बात है। और ये शायद मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग सत्ता में है, आप लोग सिर्फ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर हो नहीं रहा किसी का भी विकास, आप लोग सब जानते हैं। दूसरा मुद्दा मुझे एजुकेशन का है सर, एजुकेशन की आप लोगों ने करोड़ों रुपए बिल्डिंग में लगा दिए, हम लोगों ने भी अपने बहुत सारे स्कूल बना दिए, मगर दुर्भाग्यवश ये है कि वहाँ पर गार्ड अवेलेबल नहीं है। और मेरे जैसे मतलब हमारा रिसेंट एरिया है, आप भी जानते हैं आपका सी ब्लॉक मेरे से भी आता है, वहाँ पे कितना मतलब स्मैक और पीने वाले बैठते हैं, आप सारी चीज़ जानते हैं, सब लोग तोड़ देते हैं, कभी दरवाज़ा टूट जाता है, कभी लाइट ले जाते हैं, कभी पंखे ले जाते हैं, उसके लिए वहाँ पर गार्ड होना बहुत अनिवार्य है। मैं इस पूरे हाउस से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक यहाँ से रिक्वेस्ट चले जाए कि एक फाइल चल रही है शायद 400 लोगों की गार्ड की, वो तुरंत के तुरंत चाहे वो फाइनेंस में पड़ी है कहाँ पड़ी है उसको तुरंत के तुरंत कराएं कि हमारे गार्ड आए और जो हमारे करोड़ों रुपये बिल्डिंग पे लगे हैं वो सुरक्षित रह सके। और एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने शायद एक नोटिस पास किया है, जितना मेरी जानकारी में, कि अब हर स्कूल में एक किचन गार्डन बनाया जाएगा। वो मुझे नहीं लगता किसी निगम पार्षद को पता है कि किचन गार्डन किसको कहते हैं या क्या है, उसका क्या पूरा स्वरूप बना है, वो हमें विस्तार से हमें लिख के दे दिया जाए कि कौन कौन से स्कूल उसमें मिली है, क्योंकि पिक एंड चूज किया गया है। हमारे यहाँ पे शायद 20 स्कूल लिए हैं शादरा नॉर्थ के और 34 वार्ड है, तो टोटल 30 लिए ना, तो अपेक्षित जो है उन्हें अपेक्षित ना रखें, अगर हो सकता है मेरा वार्ड उसमें ना हो तो उसको ऐड कर दिया जाए, और जिसका भी ना हो उसको ऐड कर दिया जाए। स्कूल हम लोग मतलब हम लोग एक देश की नींव बनाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन हम लोग देते हैं, तो नींव अगर हमारी मजबूत होगी तो शायद हमारा देश और आगे तरक्की करेगा। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहती, धन्यवाद। और मैं